क्लास 9 चैप्टर नंबर 15 देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो सवाल जवाब देखेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पे। पहला है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स हाई यील्ड। एक ऐसा तरीका बताइए क्रॉप प्रोडक्शन का जिससे यील्ड प्रोडक्शन यानी जो पैदावार हो वो ज्यादा हो। तो क्रॉप रोटेशन जो है ये एक तरीका है जिससे आप क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगी इससे। और क्रॉप प्रोडक्शन में होता क्या है, दो या दो से अधिक क्रॉप को आप उसी लैंड में उगाइए सीक्वेंशियल सीजन में, यानी कि यही लैंड का एरिया है, यहाँ पर एक क्रॉप उगाइए, फिर अगली बार दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से आप चेंज कर करके आप क्रॉप उगाइए। अब क्या है कि हर एक क्रॉप कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स लेती हैं सॉइल से और ज़्यादा मात्रा में। यदि आप सेम क्रॉप इसमें अगर लगाते रहे तो क्या होगा कि अगर एक क्रॉप है तो वो जो न्यूट्रिएंट ले रही है उसको लेती रहेगी और उसको डिप्लीट कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो क्रॉप्स जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ले रही है अगर उसको हम रोटेट करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश हो सकेंगे। जैसे लिग्यूम्स, दालें, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उनके रूट नूडल्स में, वो सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं। तो ये लेग्यूम्स को रोटेट किया जाए नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि जो ऐसे सीरियल्स हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए जैसे वीट और मेज़ है, उनको नाइट्रोजन चाहिए। तो लेग्यूम्स के बाद आप वीट और सीरियल इसमें वीट और मेज़ लगा सकते हैं। ये क्या करेगा कि जो फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो डालनी पड़ती है ना, वो आपको कम डालनी पड़ेगी। इससे जो ओवरऑल प्रोडक्शन है क्रॉप का, पैदावार बढ़ेगी आपकी। व्हाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स? मैन्योर और फर्टिलाइजर को आप क्यों यूज़ करते हैं फील्ड में? पहली चीज़ तो ये है कि जो सॉइल है उसमें अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है या उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप मैन्योर या फर्टिलाइजर्स उसमें डालेंगे। मैन्योर क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के काम में आता है। इससे क्या होता है कि एक तो सॉइल का स्ट्रक्चर ठीक होता है और वो फर्टाइल होती है, यानी कि वो पैदावार के लिए और अच्छी तैयार होती है। और फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये एक प्लांट जो भी हम उस पर लगाएंगे उसकी हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम में आता है। ये बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। और अगर आपको ऑप्टिमम यील्ड चाहिए, अच्छी यील्ड चाहिए, तो ये कहा जाता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का अच्छा कॉम्बिनेशन डालिए। केवल मैन्योर मैन्योर से ही काम नहीं चलेगा, कोई केवल फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर से काम नहीं चलेगा, एक उनके बीच में अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बनाइए फिर इसे यूज़ करिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन? इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यदि आपको क्रॉप की यील्ड बनानी है या उसकी पैदावार बढ़ानी है। पहली चीज़ तो यह है, इंटरक्रॉपिंग में जो पेस्ट है जो आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं या डिसीजेज है, ये पूरी फील्ड में फैलने से इंटरक्रॉपिंग आपको रोकता है। और दूसरा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। और जो क्रॉप रोटेशन करते हैं तो जो सॉइल का डिप्लीशन होता है या सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का जो डिप्लीशन होता है वो कम होता है, प्रिवेंट करता है। सो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और क्योंकि आपके पास अलग अलग क्रॉप्स है और क्रॉप लगी हुई है तो सॉइल इरोजन भी कम होता है। जो नदी या एक तरीके से पानी जब उसकी तरफ आता है तेज धारा में तो वो ऊपर की सॉइल को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये सब लगे हुए हैं तो उनकी जड़ों से सॉइल बंधी हुई है। तो दोनों ही मेथड जो है ये फर्टिलाइजर का, क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल होता है, मतलब वैसा केमिकल, क्योंकि केमिकल तो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये केमिकल ऐसा होता है जो थोड़ा सा हार्ड केमिकल होता है, तो उसकी ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। तो जो वीड्स हैं, जो आपके प्लांट के अलावा जो चीज़ उग जाती है उनको भी कंट्रोल करता है, और अगर कोई पैथोजन है जो नुकसान पहुँचा सकता है आपके, या पेस्ट है, कीड़े मकोड़े हैं जो आपके क्रॉप को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इससे। व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन? हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है और कैसे ये मदद करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में? ये ऐसा तरीका है जेनेटिक मैनिपुलेशन, नाम से पता चल रहा होगा कि हम जेनेटिकली उसको चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, जो जीन है किसी कैरेक्टर का उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, डालते हैं क्रोमोजोम, सेल के क्रोमोजोम में, राइट? जीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का हम इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सेल के क्रोमोजोम में।
तो जैसे ही आप जीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का आप इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट सेल में, तो आपके पास जो प्लांट आता है उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, वो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, ये जो नया जीन आपने डाला है उसके कैरेक्टर भी लेके अपनी नई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस, मतलब आपको दिखाता है या एग्जिबिट करता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक वाइल्ड प्लांट है जो छोटे छोटे फ्रूट्स पैदा करता है, छोटे छोटे फ्रूट्स पैदा करता है, तो अगर ये जो जीन है रिस्पॉन्सिबल इस जिसमें आपके लार्जर फ्रूट साइज के हैं उसमें अगर इंट्रोड्यूस किया जाए इस प्लांट में, तो ये बन जाएगा ट्रांसजेनिक। यानी अब ये जो छोटे छोटे पैदा कर रहा था फ्रूट, ये बड़े फ्रूट पैदा करेगा। इसी तरीके से जीन, अगर आप जहाँ हायर प्रोडक्शन चाहते हैं, ऐसा कोई जीन हो जो डिसीज रेजिस्टेंट हो, जो डिसीज को रोक सकता है, वो भी आप उस प्लांट में डाल सकते हैं। तो जीन मैनिपुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। ये क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करता है, अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, और फूड की सिक्योरिटी, और साथ में जो क्रॉप्स हैं जो जिनमें खासतौर पर कीड़े लगने की संभावना बहुत रहती है उनको रोकता है। इससे क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हाउ डू स्टोरेज गेन ग्रेन लॉसेस ऑकर? अब आपने देखा होगा कि हम स्टोर करते हैं ग्रेन को, तो लॉसेस इसके बारे में पूछा जाता है। देखिए, जो भी फैक्टर्स हैं ये मोस्टली हमारे बायोटिक होते हैं या एबायोटिक होते हैं। तो बायोटिक जो इन लॉसेस को, इसके नुकसान को, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें एक तो इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स है, चूहे वगैरह, फंगाई है, माइट्स है, बैक्टीरिया है, ये बायोटिक है। और अगर एबायोटिक की बात करें कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, या टेम्परेचर कम या ज़्यादा है उस स्टोरेज की जगह पर, तब भी नुकसान पहुँचता है। तो क्वालिटी कम होती है इससे, वेट कम हो जाता है, और जर्मिनेबिलिटी उसकी आगे के लिए वो कम हो जाती है। आप जो प्रोडक्ट देखेंगे उसका डिसकलरेशन हो जाएगा, उसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। तो अब ये सब चीज़ें अगर हो जाएगी, तो आप देखते हैं ना, हमेशा जो दिखता है, जो अच्छा दिखता है वो दिखता है। तो अगर अच्छी चीज़ें नहीं आप सामने लाओगे या ऐसी बुरी चीज़ लाओगे तो वो बिकेंगी नहीं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम अच्छा ट्रीटमेंट करें इन सब चीज़ों का, ये सबको हम रोकें, और एक वेयर हाउसेस का एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब अच्छे से मेंटेन करें। प्रॉपर वेयर हाउस बनाएं, ऐसे नहीं कि किसी शेड के नीचे आपने रख दिया या पानी के नीचे, मतलब खुले आसमान के नीचे रख दिया। हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट्स फार्मर्स? अच्छी जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस है वो फार्मर को कैसे बेनिफिट करती है? देखिए, कैटल फार्मिंग, कैटल में आपके गाय भी हो सकते हैं, भैंस भी हो सकते हैं, ये एक तरीका है एनिमल हस्बेंड्री का जो बहुत बेनिफिशियल है फार्मर के लिए, किसानों के लिए। इस मेथड को अगर हम यूज़ करेंगे तो बेटर ब्रीड्स, ड्रॉट एनिमल्स, मतलब अच्छे ब्रीड के एनिमल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो ड्रॉट एनिमल है ये एग्रीकल्चर फील्ड में आपके लेबर का काम कर सकते हैं, जैसे कार्टिंग है, मतलब अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ट्रैक्टरों ने ले लिया होगा, लेकिन इरीगेशन है, टिलिंग है, आज भी ऐसे गाँव की, हमारे गाँव, क्योंकि देश बहुत बड़ा है हमारा, और ऐसी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें लेबर अगर आप या ट्रैक्टर वगैरह लाने की कोशिश करें उसमें डीजल लगता है, बहुत महंगा है, तो अब इनका हम उपयोग कर सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग? कैटल फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? पहली चीज़ तो ये है कि अच्छी क्वालिटी और क्वान्टिटी, उसका आपको दूध मिलेगा, दूध अच्छी क्वालिटी और क्वान्टिटी में मिलेगा। और ड्रॉट लेबर एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो आप लेबर के काम में ला सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्क हो या और भी कोई वर्क है, उसमें आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और नए वैरायटी जो, क्योंकि डिसीज बहुत जल्दी लग जाती है, इनको रेजिस्ट करने वाले ऐसे हमारे पास होने चाहिए कि हम दो को क्रॉस करें, यानी कि दो कैटल को क्रॉस करें जिसमें से एक डिसीज रेजिस्टेंट है, तो बहुत चांसेस हैं कि जो अगली वैरायटी पैदा होगी वो उसकी नई वैरायटी, नया वो होगा और वो इनको डिसीज को रेजिस्ट कर सकता होगा। फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, वट इज़ कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग? पोल्ट्री मतलब होता है चिकन, मतलब मुर्गी पालन, फिशरीज मत्स्य पालन, मछली पालन, बी यानी मधुमक्खी। क्या आप कॉमन है अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है? तो इन तीनों की अगर बात करें तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स चाहिए, वो फॉलो करनी पड़ेगी। आपको फॉर्म को क्लियर करना, जहाँ पर भी ये रखे उनको बहुत क्लीन करना पड़ेगा, और ये क्लीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, और जैसे मैंने कहा टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और अगर किसी एक एनिमल को कुछ हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उसको क्योर भी करना है,
उसका आपको इलाज भी करना है। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? तो इसको इस तरीके से देखेंगे। कैप्चर फिशिंग होता है, ये ऐसा तरीका है नेचुरल रिसोर्स से अगर आप फिश निकाल रहे हैं, मछली निकाल रहे हैं। मैरीकल्चर ये होता है कि ये ऐसा कल्चर है, क्योंकि कल्चर है ये, कमर्शियल यूज के लिए हम मछलियां पैदा कर रहे हैं, मैरीन फिशेस। एक्वाकल्चर का मतलब ये होता है कि हम एक्वेटिक एनिमल्स, इसमें फिश भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, जैसे प्रॉन है, लॉबस्टर है, फिशेस है, क्रैब्स है। कुछ ऐसे फिश होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जैसे प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स, इसकी हाई वैल्यू होती है। अगर फिश 100 रुपए किलो है तो आपको लॉबस्टर जो है वो 1000 रुपए किलो मिलेगा, प्रॉन 800 रुपए किलो है। तो इनको अगर हम पैदा करें और इनको बेचें और लोग इसको खाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन वोटीन कंटेंट और बहुत सारे विटामिन डी, B12 बहुत अच्छी अच्छी मात्रा में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो इसका प्रोडक्शन हम एक्वाकल्चर कहते हैं। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।